तो लास्ट टाइम वी हैड डन WBCs के बारे में, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स है दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, दीज आर सेल्स ऑफ बोन मैरो। ठीक है जी, सो नॉन न्यूक्लियस नहीं है, सिंपल फ्रेगमेंट्स है। दिस सिक्रीट वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स। That helps in blood clotting at injured regions, जहां पे इंजरी हो। कहीं पे बेटा, जरूरी नहीं कि बाहर ही इंजरी हो, हमारे अंदर बहुत जगह ब्लड वेसल्स में इंजरी होती रहती है, तो अगर वहां पे इंजरी होगी तो ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा, तो बहुत ही कुछ मिली सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स में जो है वो इंजर्ड एरिया बंद हो जाता है, वहां पे एक क्लॉट बन जाता है जिससे ब्लड जो है वहां पे लीक नहीं करता, राइट। और हमारे पास एंटीकोएगुलेंट्स भी होते हैं, हेपरिन एंटीकोएगुलेंट, वो अनइंजर्ड एरिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता, और जहां पे इंजरी हो जाए तो वहां पे कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रीट होते हैं जो हेपरिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं, सो दैट दैट इंजर्ड रीजन गेट्स सील्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, राइट। सिर्फ बाहर नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा इंजरीज और फिर उनकी रीजनरेशन होती रहती। Is it okay? ठीक है जी, helps in blood clotting at the injured regions. So they helps in, you can say, so number number of blood platelets, कितने जो है हमारी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स है, इट इज 1,50,000 से लेकर 3,50,000 3,50,000 पर मिलीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है जी, डिक्रीजिंग या एबनॉर्मल इंक्रीजिंग it is called as thrombocytosis. एक बार हम चेक कर लें, it is called as
thrombocytosis and abnormal decrease in blood platelets is called as thrombocytopenia. This is called as thrombocytopenia. ठीक है? और ये जो है thrombocytopenia, it causes blood clotting disorders. ठीक है, obviously, and may cause death due to internal bleeding. बेटा है ना, आजकल तो कोविड कोविड बहुत चल रहा है, तो इसलिए बाकी सब डिजीजेस हम जो है ना थोड़े से भूल गए. नहीं तो पहले कुछ साल पहले जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा डेंगू, डेंगू आ गए इस सीजन में, बरसातों के सीजन में. इसके बाद सीजन चेंज होता है तो डेंगू बहुत आ जाता है. डेंगू में क्या होता है, मेन जो उसका सिम्टम है एक कि डिक्रीज इन द ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, वैसे तो क्या करते हैं, क्योंकि वायरल डिजीज है वो खुद ही ठीक होगा, तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, पैरासिटामोल देते रहते हैं, ताकि जो है उसमें क्या जो बुखार है वो ठीक होता रहे. ठीक है, बट कई बार क्या है कि ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए, तो फिर क्या करते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है बाहर से चढ़ा देते हैं, राइट. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट पता हमें चलता नहीं है, चाहे वो ब्लड प्लेटलेट्स बाहर से भी दे रहे हैं बट बॉडी नहीं उनको एक्सेप्ट कर रही है या समथिंग, बट ड्यू टू सम रीजन एकदम बहुत कम हो गए और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिससे क्या हो रहा है, मुंह से खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, पता नहीं चल रहा कहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई. और जब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इट मे कॉज डेथ. सो दिस इज अबाउट ब्लड प्लेटलेट्स. अब जो है ध्यान से पहले मुझे सुनना है आपने कि ब्लड क्लॉटिंग, मैं ये लिखवाऊंगी भी आपको, बट होता कैसे है ब्लड क्लॉटिंग, कहीं पे इंजरी हुई चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल. ठीक है, तो इंजर्ड टिश्यू जो है इसको हम और क्या बोल देते हैं, एंड या फिर इसको हम कहते हैं ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू, एक ही बात है. इंजर्ड टिश्यू या ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू. सुराबर कुछ पूछ रहा है कि हाउ डू डॉक्टर्स प्रिवेंट. बेटा वो तो देखो कैसे प्रिवेंट करेंगे, वो तो यही है कि ब्लड प्लाज्मा जो या ब्लड प्लाज्मा करी ब्लड प्लेटलेट्स एकदम चढ़ाएंगे. ठीक है, और तो कुछ नहीं, या कोएगुलेंट्स देंगे. ठीक है, बट उसके भी आगे डेंजरस चीजें होती है, तो एक बार इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए तो मुश्किल होता है बेटा, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो ये देखना कि ब्लीडिंग हुई कहाँ से शुरू है बड़ा मुश्किल है. उसके बाद नहीं तो थोड़ी बहुत इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए, पता चल जाए कि हाँ भाई शुरू हो गई है, तो एकदम प्लेटलेट्स जो है इंट्रोड्यूस करके किया जा सकता है, बट मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता. ठीक है जी, तो ब्लड क्लॉटिंग, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में क्या है कि इंजर्ड टिश्यू जिसको हम ट्रॉमेटाइज्ड टिश्यू कहते हैं, इट रिलीजेस, ये एक प्रोटीन है थ्रोम्बोप्लास्टिन. इसी तरह जहां पे इंजरी हुई है वहां पे ब्लड प्लेटलेट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, एंड दे गेट्स डिसइंटीग्रेटेड एंड रिलीज. जहां पे इंजरी हुई है ब्लड प्लेटलेट्स इकट्ठे हुए, कुछ ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट करते हैं, एंड दे ऑल्सो रिलीज प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये ब्लड में वैसे प्लाज्मा में प्रेजेंट है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये सिक्रीट कर रहे हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. दोनों है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ही है. दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स दे causes, you know, activation of, they activates, एक enzyme है
हमारी बॉडी में ये लिवर सिक्रीट करता है प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, एक्टिवेट्स द एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। दिस प्रोथ्रोम्बिनेज क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट्स हेपेरिन, हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट। हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट, तो ये इसको इनएक्टिवेट करता है हेपेरिन को, और क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम, राइट। एंड दिस थ्रोम्बिन इट कैटलाइजेस फिब्रिनोजन को, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। फिब्रिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, और वो ब्लड सेल्स को, आप ये देखो कि इसने क्या किया, यहाँ पे ब्लड वेसल थी, यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई, और कैसे क्लॉटिंग हुई, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसने एक मेश बना दिया, और इसमें क्या स्टोर हो गई, यहाँ पे ब्लड सेल्स जो है कुछ ट्रैप कर गई, ब्लड सेल्स गेट्स ट्रैप्ड, ठीक है। और अगर हम बाहर से देखें तो जो हम कह देते हैं ना कि खुरुंड सा बन गया है, थोड़े टाइम बाद वो उतर जाता है, जब वो खुरुंड बन जाता है, दैट इज एक्चुअली द क्लॉट। इट इज फॉर्म्ड बाय फिब्रिन अलोंग विद फ्यू ब्लड सेल्स विच गेट्स ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ द फिब्रिन। इज इट ओके, ठीक है। ये देखो, ये लिख लो, चलो यहां पे लिख लो, द फैगोसाइट्स ऑफ ब्लड सेल्स लेटर ईट्स अप द फिब्रिन नेटवर्क, लेटर ईट्स अप द फिब्रिन नेटवर्क। मतलब जब वो धीरे धीरे रीजेनरेट हो जाती है ब्लड वेसल, तो ये फिब्रिन जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग इज ए कैस्केड प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग इज ए कैस्केड प्रोसेस, CASCADE, कैस्केड प्रोसेस, इन विच वन स्टेप ऑटोमेटिकली फॉलोज द अदर, वन स्टेप automatically follows the previous step. ठीक है जी, next point आ जाइए। The clotting of blood occurs inside the body. Blood clotting occurs inside the body at the region of injured blood vessel. Injured blood vessel and also occurs at the injured outer surface. Injured outer surface. Next point hai. It is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. Next point hai, blood clotting requires clotting factors. Clotting proteins such as fibrinogen. And calcium. Vitamin K is also required for blood clotting because
इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फिब्रिनोजन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फिब्रिनोजन। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग इन द अनइंजर्ड रीजन्स, इन द अनइंजर्ड रीजन्स देयर इज प्रेजेंट हेपरिन, देयर इज प्रेजेंट हेपरिन इन द ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट, another natural blood anticoagulant, another natural blood anticoagulant is hirudin, hirudin, hirudin secreted by leech, leech. नेक्स्ट है सम केमिकल एंटीकोएगुलेंट्स आर देयर, सम केमिकल एंटीकोएगुलेंट्स आर देयर सच एज सिट्रेट डेक्स्ट्रोस इथाइलीन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड। पहला था सिट्रेट डेक्स्ट्रोस, दूसरा है इथाइलीन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लो ईडीटीए are used in blood banks to prevent clotting in blood vessels. ठीक है जी, एक डिजीज होता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट आ जाइए हीमोफीलिया, HEMOPHILIA, हीमोफीलिया, ब्रैकेट में लिख लो ब्लीडर्स डिजीज। हीमोफीलिया या ब्लीडर्स डिजीज, इट इज ए जेनेटिक डिजीज कॉज्ड ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ some of clotting factors. 13 clotting factors होते हैं, उसमें से कोई clotting factor नहीं बन रहे, जिसके कारण क्या है more time is taken for blood clotting at injured regions. जिसके कारण ब्लड लॉस बहुत हो जाता है। सो ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्टेड विद
क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, ये कुछ कुछ इंटरवल के बाद देना पड़ता है बेटा। आप कहोगे चोट तो लगी नहीं, बट अंदर क्या हो रहा है बॉडी के, ये नहीं हमें पता, कहाँ पे इंजरी हो रही है ये नहीं हमें पता, इसलिए कुछ कुछ टाइम बाद ये हमें इंजेक्ट करना पड़ता है एज रेगुलर ड्रिप्स। ओके लिख लो ये। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर इनकंपैटिबिलिटी। तो अगर रिसिपिएंट, ये मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था, रिसिपिएंट अगर ए नेगेटिव है तो कंपैटिबल डोनर जो है इट शुड बी ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इफ बी और ए बी और ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव इज इंजेक्टेड, इज इन्फ्यूज्ड, हम कह सकते हैं इन्फ्यूज्ड, देन द रिसिपिएंट बॉडी फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर्स ब्लड। डोनर्स हम स्पेसिफिक करेंगे आरबीसी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर एंटीजन है, डोनर्स आरबीसी अटैक एंड किल्स देम, कॉजेस ब्लड क्लॉटिंग which may block blood vessels. ठीक है, जो मुश्किल हो सके, राइट। तो ये मैंने आपको बताया था कि आरएच फैक्टर ये हम कर चुके हैं। तो अगर रिसिपिएंट, ये रिसिपिएंट है, ये डोनर है, ये कंपैटिबिलिटी है, अगर ए पॉजिटिव है तो हम इसको ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव ये दे सकते हैं, बी पॉजिटिव और नेगेटिव हम नहीं दे सकते, ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दे सकते, ओ पॉजिटिव या नेगेटिव हम दे सकते। अगर ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, देन बी नेगेटिव दे सकते हैं, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव हम नहीं दे सकते, और कौन सा नहीं दे सकते, ओ पॉजिटिव हम
और कौन सा दे सकते हैं? वो नेगेटिव दे सकते हैं। थोड़ा सा देखना, अगर नहीं समझ में आएगी तो बताना मुझे। इसी तरह से ए बी पॉजिटिव को हम अब कौन सा दे सकते हैं? ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। और भी हम सारे ही दे सकते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सारे ब्लड ग्रुप्स जो है हम इनको दे सकते हैं ए बी पॉजिटिव। बट अगर ए बी नेगेटिव है तो इसमें से हम सिर्फ नेगेटिव वाला दे सकते हैं। ये दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया था, दोबारा से मैं बता रही हूं। ओ पॉजिटिव है तो इसको सिर्फ और सिर्फ ओ वाला दे सकते हैं। ओ नेगेटिव है तो सिर्फ ओ नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद आ जाइए, ये लिख लिया बेटा, लिख लो पहले, ये लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड पे। अब क्या है बेटा, इधर मैटरनल ब्लड है, और इधर लेट अस से फीटल ब्लड है, और दोनों के बीच में एक बैरियर है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, दोनों के बीच में एक बैरियर है, दिस इज प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है इट इज परमिएबल टू न्यूट्रिएंट्स, टू गैसेस एंड फ्यू एंटीबॉडीज, सारी नहीं, फ्रॉम मदर टू फीटस। गैसेस की जगह लिख लो ऑक्सीजन ज्यादा, फ्रॉम मदर टू फीटस, इनके लिए परमिएबल, ठीक है। अगर मदर जो है, मदर का ब्लड है ए, ए ब्लड ग्रुप है, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर, फादर का ब्लड ग्रुप है बी, और फीटस का है ए, तो मदर का भी ए है, फीटस का भी ए है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि फादर के साथ तो कांटेक्ट में नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मदर के साथ कांटेक्ट में, तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद है मदर का ब्लड ग्रुप लेट अस से ए है, फादर का बी है, फीटस का बी, ठीक है। इफ फीटल ब्लड लेट अस से किसी कारण से भी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मदर्स ब्लड, किसी कारण से भी, इससे क्या होता है, फीटस का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है, मदर्स ब्लड फॉर्म बी एंटीबॉडीज, मतलब एंटी बी इसके लिए, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है, बट दीज एंटीबॉडीज कैन
cannot cross placenta. Therefore, no effect on fetus. So, fetus, mother का कोई और blood group है, fetus का कोई और है, कोई problem नहीं. क्योंकि A, B antigen के लिए इतनी बड़ी antibodies होती है कि वो placenta cross नहीं करती. But अगर ध्यान से अब देखना, mother जो है वो है A negative, father है A positive, fetus है A positive, ठीक है, no contact of maternal and fetal blood during first pregnancy. कोई बात नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं हुआ, बच्चा आराम से पैदा हो गया, ठीक है. ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी जब बच्चा बाहर आ रहा है तो उसकी, आपने देखा होगा छोटा नया बच्चा होता है उसकी पेट पे एक कॉर्ड सी होती है, धीरे धीरे वो सूख जाती है, ठीक है. बट वो कॉर्ड हम क्या कहते हैं, उस कॉर्ड से बच्चा जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा के साथ, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है. अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे को जब मदर से अलग करना होता है तो वो कॉर्ड काटनी पड़ती है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट, और उस अम्बिलिकल कॉर्ड में हम ये कह सकते हैंज ब्लड वेसल्स ऑफ फीटस. आपने पूरा लिखना है बेटा, बीवी मेरी तरह से नहीं लिख देना है, बाद में सोचोगे ये बीवी है क्या है, ब्लड वेसल्स ऑफ फीटस. जब ये काटी तो सम फीटल ब्लड आरएच पॉजिटिव अगर इसमें है मिक्सेस विद मदर्स ब्लड. फीटस तो बाहर आ गया, उसे कोई फर्क नहीं, बट मदर के साथ मिक्स हुआ, पर थोड़ा सा मिक्स हुआ था, ज्यादा हुआ नहीं था, इसलिए कोई मदर को भी फर्क नहीं पड़ा. बट मदर्स ब्लड फॉर्म एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ये बना के रख. ये कब बनेगी, जब मदर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव या आर एच नेगेटिव है, और फीटस आर एच पॉजिटिव, चाहे ए पॉजिटिव चाहे बी पॉजिटिव चाहे ए बी पॉजिटिव चाहे ओ पॉजिटिव कुछ भी है, फीटस जो है वो पॉजिटिव है, मदर जो है वो नेगेटिव, ठीक है. अगर मदर नेगेटिव है फीटस नेगेटिव है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, मदर पॉजिटिव है फीटस नेगेटिव है तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी हम करते हैं. अब यहां तक तो ठीक है. अब मैं पहले समझा देती हूँ फिर दोबारा से. अब जब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, तो एंड ये जो है एंटी आरएच एंटीबॉडीज, दीस कैन क्रॉस प्लेसेंटा, इनका साइज छोटा होता है और ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते, पहली बार में तो बनी नहीं थी, दूसरा बच्चा फिर प्रेगनेंसी हुई, और इस बार भी पहले की तरह से मदर तो नेगेटिव है ही है, पता ही है, और फीटस दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव है, पर मदर के ब्लड में ये वाली एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है, ये क्रॉस कर रही है, और आगे चल के इसको पता चल गया कि फीटस का ब्लड तो पॉजिटिव है, इसने क्या किया, फीटस के ब्लड को मारना शुरू कर दिया. इस बेवकूफ को ये नहीं पता भी ये तो अपना ही बच्चा है, वो कहती ले भाई आर एच एंटीजन आ गया, इस पे अटैक करो, पता नहीं मेरी बॉडी को क्या हो जाएगा, ठीक है. तो इसने फीटस का ब्लड को किल करना शुरू कर दिया, या तो कई बार फीटस अंदर ही मर जाता है, या फिर जब वो बाहर आता है मतलब डिलीवर होता है
तो वो इतना एनीमिक होता है कि वो अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो कुछ दिन बाद मर जाता है। ठीक है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में जो है वो प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, बट सेकेंड में आगे क्या होता है मैं फिर बताती हूँ आपको, पहले ये नोट करो। नहीं, वो कहता माइक की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, तो अब आ जाइए ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी इफ द फीटस इज अगेन आरएच पॉजिटिव, इफ द फीटस इज अगेन आरएच पॉजिटिव कॉमा द एंटी आरएच एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कॉमा करके कॉमा द एंटी आरएच एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मदर्स ब्लड, already present in the mother's blood crosses placenta and reaches fetal blood full stop. These antibodies attack the RBCs of fetus. Due to which fetus suffers from neonatal disease or erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. In which the fetus born is severely anemic. ट्रीटमेंट क्या है? आरएच नेगेटिव ब्लड इज इन्फ्यूज्ड इन फीटस एट रेगुलर इंटरवल्स and its RH positive blood is taken out. क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस तब भी जो ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज है उसके ब्लड में सर्कुलेट कर रही है ताकि वो बच्चा मर ना जाए, उस एंटीबॉडीज का इफेक्ट ज्यादा ना हो जाए, तो हम आर एच पॉजिटिव ब्लड उसका सारा निकाल देते हैं, आरएच नेगेटिव उसमें डालते हैं, इन्फ्यूज करते हैं. दिस इज डन एट रेगुलर इंटरवल्स, मे बी एट द इंटरवल्स ऑफ 15 डेज फॉर अबाउट
3 months. After which mother's antibodies, AB antibodies in fetal blood and tissues gets killed and no transfusion is required for them. तीन महीने बाद जो मदर की एंटीबॉडीज घूम रही थी इधर उधर वो मर जाएंगी और धीरे धीरे जो है वो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। या हम एक चीज ये रहने देना, जरूरी नहीं है कि आरएच पॉजिटिव ब्लड उसका निकाला जाए, निकाल भी देते हैं बट जरूरी भी नहीं है, थोड़ा सा तो बेचारे का ब्लड होता है, ठीक है जी। बट हम नेगेटिव ब्लड साथ साथ डालते हैं, ठीक है, ताकि एनीमिया ना हो जाए बच्चे, ठीक है। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे है, कैसे प्रिवेंट करें, तो आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी रोगम इज इंजेक्टेड इन मदर, हर मदर में नहीं, जो आरएच नेगेटिव मदर है, जिसके आरएच पॉजिटिव बच्चा हुआ था, रोगम कवर्स RBCs with RH positive antigen and thus no anti-RH antibodies are formed. Is it right? So this is how. तो अगर एंटीबॉडीज बनेगी नहीं तो सेकेंड प्रेगनेंसी जो है वो सेफ रहेगी, राइट। लिख लेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा आज के लिए आ जाता है, दैट इज लिम्फ। लिम्फ को हम और क्या बोल देते हैं, टिश्यू फ्लूइड। लेट अस से बेटा ये टिश्यू है, बहुत सारे सेल्स हैं और ये ब्लड वेसल आई जो यहाँ पे डिवाइड कर गई बहुत सारी थिन कैपिलरीज, दीज आर कैपिलरीज, दीज कैपिलरीज आर वेरी थिन, देयरफॉर some of the plasma and WBCs they leaks out of these capillaries aur jo yahan pe fluid nikla hai blood ka filter hoke this is called as lymph, jis substance ne ye cell hai जिस सब्सटेंस ने पहले ब्लड के अंदर जाना है वो पहले लिम्फ में आएगा फिर अंदर जाएगा, इसी तरह ब्लड से सब्सटेंसेस लिम्फ में आएंगे और फिर सेल्स के अंदर जाएंगे, तो लिम्फ एक्ट्स एज अ मिडल मैन, राइट। सो व्हाट इज लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। तो और लिम्फ में क्या है, प्लाज्मा है और कुछ ब्लड कॉर्पसल्स है, रेड ब्लड सेल्स नहीं है, इसलिए लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है, इट इज
कलरलेस फ्लूड। ठीक है जी, तो लिख लो पॉइंट। द आर्टरीज enters in the tissue and divides into many narrow and thin walled blood capillaries. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्स देयरफोर सम वॉटर ऑफ प्लाज्मा अलोंग विद मैनी वॉटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो उस प्लाज्मा में डिजोल्व है, वॉटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस leaks out from these capillaries into intercellular spaces of tissue, या हम कह सकते हैं spaces between cells of tissues. ठीक है, फुल स्टॉप करके सम ऑफ द डब्ल्यू बी सीज ऑल्सो लीक्स आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। This fluid released out, जो बाहर आ चुका है, this fluid released out is called as lymph or tissue fluid or interstitial fluid. Its composition is similar to blood plasma, except that it lacks large proteins, RBCs. RBCs and much of
much many of WBCs, many of WBCs. Next point आ जाइए. It is also called as middleman. It is also called as middleman because exchange of various substances between blood and the cells. Next point है, it is colorless as it lack hemoglobin या RBCs. It is colorless as it lack RBCs. Next है, it has specialized lymphocytes. It has specialized lymphocytes which provide immunity to our body. Next है, lymph is an important carrier. Lymph is an important carrier for nutrients, hormones, etc. Lymph flows out of tissues. यहां पे lymph बिखरा हुआ है बट जब ये बाहर जाते हैं तो स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स है. लिम्फ फ्लोज आउट ऑफ टिश्यूज एंड इज कलेक्टेड इन लिम्फ नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड इज कलेक्टेड इन द नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स. Which finally pours lymph into veins. तो हम क्या कहेंगे कि जो lymph है, lymph is a, next line में लिख लेना star डाल के, thus lymph is a part of blood and finally mixes with blood. So this is all about your blood and lymph. Next time हम करेंगे blood vessels के बारे में करेंगे और फिर heart वगैरह के बारे में करेंगे, that is circulatory system. ठीक है बेटा.